केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कबीरधाम में भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के पक्ष में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता की भलाई न हो, जो व्यक्ति अपने प्रदेश की जनता के विकास की जगह अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता। ये कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। अगर गलती से भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो इस प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस स्वाइप करके एटीएम से रोज हजारों करोड़ रुपए निकाल कर ले जाएगी। अमित शाह ने सीएम बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर अपने काम का हिसाब दें और भाजपा के काम का हिसाब लें। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावना बहन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सब के भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है, और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टिकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना, और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकाल कर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए, ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा वो ना बोलते थे, मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो अन्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और छत्तीसगढ़ में आगे कोई भुवनेश्वर को अन्याय न हो ऐसी सरकार बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए
ईश्वर साहू जी खड़े रहे चुनाव, हमारे आग्रह पर खड़े रहे। ईश्वर साहू जी को जिताने का मतलब है भुवनेश्वर जैसे कई बच्चों को ये राजनीति, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तुष्टिकरण की राजनीति से सुरक्षा देने का काम भी इसी ईश्वर साहू जी को जिताकर होगा। माननीय अरुण साहू जी ने ढेर सारी बात करी है, मैं और कोई बहुत लंबी बात करने नहीं आया हूं, मगर मैं इतना कह पूछने आया हूं भाई, छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है, मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा।